Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. सामायिक करने से क्या लाभ होता है? जिसके भीतर जिस तरह के लाभ की कल्पना है, वो वैसी ही कल्पना को प्राप्त करता है। और जिसको कोई लाभ नहीं चाहिए, केवल सामायिक के अंदर जाग हो, लाभ नहीं जाग हो, तो उसको जागृति घटित होती है। और जिसको जागृति घटित होती है, उसको आत्मज्ञान प्रकट होता है। और बाकी लाभ की कल्पना की तो क्या बात करें। यहाँ हमारे कई स्थानों में बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं कि वो एक नवकाशी करो 100 वर्ष नरक का कट जाएगा, एक पौसी करो 1000 वर्ष नरक का कट जाएगा। न जाने लोग कहाँ कहाँ से ले आते हैं और फिर बोलते हैं कि वो 5 सामायिक करोगे तो एक उपवास का लाभ हो जाएगा। कहाँ से कनेक्शन बना दिया राम जाने, ये लोग बनाते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि वो 1 सामायिक करो और 1 करोड़ रुपयों का 1 करोड़ सोना का दान दो, वो बराबर है। तो लोग कहते हैं तो और ही अच्छा, अपना सोना तो संभाल के रखो और 1 सामायिक और कर लो तो 1 करोड़ सोने का दान का लाभ भी हमको मिल गया। तब ये जो लाभी लाभ की इच्छुक लालची कौम होती है ना, उसको ऐसी ऐसी बातें कह करके थोड़ा और फुसलाया जाता है। और फिर वो ऐसी हर बात में ऐसी सोचती है, लाभ क्या लाभ क्या। आप लाभ के लिए क्यों करते हो? रूपांतरण के लिए करो, जागृति के लिए करो, समझ के करो। और जो समझ के करते हो तो ज्ञान ही आपके अंदर परिवर्तन ले आता है। इसीलिए लाभ शब्द बोलने की बजाय आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि ऐसा अपने आप से पूछो कि मैंने सामायिक की तो मेरी जाग में अंतर में कुछ जाग आई कि नहीं आई। कुछ पुरानी आदतें, पुराना मोह, पुराना वैर विरोध हटा कि नहीं हटा। यहाँ तो लोग बरसों से सामायिक करते और जहां जिसके प्रति जो शिकवा शिकायत वैर विरोध जो आदतन लगाव दुरा पड़ा है वो एजिटिस पड़ा रहता है, उसमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता। तो फिर क्या परिवर्तन हुआ सामायिक से, है ना? सामायिक कैसी है? आत्मशुद्धि की साधना है। अगर आपके भाव शुद्ध हुए, मन शुद्ध हुए, विकारी भाव हटे तो आपको खुद को पता लगेगा कि सामायिक की प्रक्रिया से गुजरे तो आप हल्के हो गए, आपके अंदर का कषाय निकल गया। कषाय निकला तो बात है, नहीं तो फिर ठीक है, बाकी तो सब रिवाज है। और रिवाजों में क्या लाभ है बताऊं? जब रिवाज करते हो तो समाज के लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक। ये आदमी तो रोज सामायिक करता है, रोज सुबह सुबह आता है, हर महाराज साहब के प्रवचन को सुनने आता है। और वो हर महाराज साहब के प्रवचन को सुनता है लेकिन अंदर से दम हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है। जय हो।